दोस्तों, मैं रवि यादव और आपके अपने YouTube चैनल ओरल पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज अपना एक नया चैप्टर लेके आया हूं, कैलेंडर। देखिए, कैलेंडर जो है किसी भी दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष के बीच जो पारस्परिक संबंध को दर्शाता है उसे हम कैलेंडर में देख सकते हैं। ठीक है, देखिए कैलेंडर हमारा दो तरीका से होता है। कैलेंडर में देखो दो वर्ष होते हैं, वर्ष हमारा दो तरीका, तो एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप वर्ष में 366 दिन। अब देखिए, लीप वर्ष की हमारी जरूरत क्यों पड़ी कि हर चार चार साल चार हर चौथे साल हमारा लीप वर्ष यूज करने के लिए। जैसे हमारा जो है, जो चार से डिवाइड होता है वो लीप वर्ष होता है। जैसे अब चल रहा है हमारा 18 चल रहा है, इसके बाद जो 20 आएगा हमारा 2020, उसमें देखो हमारी फरवरी होगी 29 की। फरवरी 29 की होगी तो वही एक दिन बढ़ जाता है हमारा, 366 दिन हो जाएगा। अब देखिए, लीप वर्ष की जरूरत हमारी क्यों पड़ी। देखिए, हमारा जो पृथ्वी जो चक्कर सूर्य का लगाते ही एक पूरा करता है, जो एक सौर वर्ष हमारा होता है, एक सौर वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकेंड का होता है। लेकिन हम साधारण वर्ष 365 दिन लेते हैं या 366 दिन। ठीक है, अब देखिए 366 दिन क्यों लिया जाता है, ये हम थोड़ा आपको बता दें इसके बारे में। देखिए, 365 दिन हुआ और इसको हम देखो पूरा पॉइंट में कैलकुलेट करेंगे दिन में, तो हमारा हो जाएगा 365 दिन 365.2422 दिन। ठीक है, अब देखिए हर चौथे साल लीप वर्ष मनाया जाता है। अब देखिए, हर चौथे साल अगर यही 0.22 को हम 4 से गुणा कर दे तो आएगा हमारा 69, यानी 0.9688। ठीक है, हर चौथे साल। लेकिन हम यहाँ लेते कितना है, एक दिन, यानी हर चौथा साल एक दिन बढ़ा लेते हैं। अब एक दिन बढ़ा लिए तो यानी 366 दिन का हो गया हमारा, क्या होता है, लीप वर्ष। ठीक है, अब एक दिन इसको पूरा मान लेते हैं किसके बराबर, एक दिन के, जो कि एक दिन है नहीं। हमारी त्रुटि होगी इसमें, क्योंकि हमारा आगे चल के अगर एक भी दिन का डिसबैलेंस हुआ तो हमारा कैलेंडर फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ त्रुटि कितनी की है। देखो यहाँ त्रुटि है हमारी 0.0312। इतने परसेंट हम ज्यादा लेके एक दिन ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए हर चौथे साल हम इतना ज्यादा लेते हुए जो हमारा कैलेंडर आगे चल के फॉलो करेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे एडजस्ट करते हैं कि हमारा कैलेंडर फॉलो करे। अब देखिए यही चीज, जैसे इतने की त्रुटि हुई, अगर यही देखा जाए 400 वर्षों में, 400 वर्षों में कितना लीप होगा, 100 लीप होगा। अब 100 लीप, एक लीप में इतना दिन हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो अगर 100 से हम गुणा कर देंगे 3.1 दिन, या 3 दिन आ रहा है, 3 दिन का दिक्कत हो जाएगी। तो 3 दिन देखिए हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। देखिए हमारा जो 100 होगा, सौ, 200, 300 और 400। ठीक है, देखो ये जो 100, 200, 300, जो 3 दिन है हमारा, उसको एडजस्ट करने खातिर हम इसको जो लीप वर्ष नहीं मानते। यही पॉइंट है यहाँ कि इसको लीप वर्ष क्यों नहीं मानते, जो क्योंकि इसको 3 दिन को हमको एडजस्ट करना है, इसलिए हमको इनके तीनों को लीप वर्ष हम नहीं मानते। और इसको हम यहाँ 3 दिन नहीं मानते, 3 दिन हमारा एडजस्ट हो जाता है। हर 400 को लीप वर्ष मानते, जो 400 से डिवाइड हो, हम 500 को नहीं मानेंगे, 600 को नहीं मानेंगे, 700 को नहीं मानेंगे और 800 को लीप वर्ष मानेंगे। ठीक है, तो 800 को मानेंगे। ये जो 0.5 की दिक्कत है, ये कई वर्षों तक जाके एक दिन पूरेगा, यानी हमारा जो कैलेंडर फॉलो करता है 33-23, यानी 3,323 वर्षों तक हमारा कैलेंडर फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा कैलेंडर बनेगा तब ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए यही जो हमारा है समझना है कि 400 वर्षों को हम लीप वर्ष मानेंगे। यदि कोई भी शताब्दी वर्ष है तो उसको हम 400 से भाग देके चेक करेंगे कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। ठीक है ना,
नहीं तो और कोई वर्ष चेक करेंगे, 4 से भाग देंगे तो पूरा डिवाइड है, तो हमारा लीप अर्थ हो जाएगा। अब देखिए, जैसे एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्षों में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। जैसे क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वर्षों में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। देखो जनरली लोग जानते हैं जो 4 से डिवाइड है वो लीप वर्ष है, ठीक है ना, लेकिन कुछ इसमें दिक्कत हो जाएगी और अधूरा नॉलेज रहेगा तो आप गलत करके आएंगे एग्जाम में। देखिए ये ऑप्शन है 1800, बी 1900, सी नंबर 1992 और डी नंबर 1982। अब देखिए, यदि आपको नॉलेज है कि 4 से कटे लीप वर्ष है, देखिए 4 से ये कटेगा, ये कटेगा, ये भी कटेगा, खाली यही नहीं कट रहा है, तो यानी 3 फिर हो जाएगा ऑप्शन में, ठीक है ना। यही चीज ध्यान देना है कि यदि शताब्दी वर्ष मतलब 100, 200, 300, 400, 500, यानी लास्ट में 0 आए, वो मतलब 100 में रहे, तो हम उसको चेक करने के, लीप वर्ष चेक करने के 4 से भाग देते हैं, ठीक है ना। और जो अदर कोई रहता है जैसे 92, 82 कुछ भी है, तो उसको 4 से भाग देके चेक करेंगे। देखो ये जो हमारा शताब्दी वर्ष है, ये देखो 400 से भाग देंगे, 400 से भाग देंगे, देखो ये कटेगा नहीं, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। इसको भाग देंगे, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है ना। अब इसको हम 4 से भाग देंगे, देखो ये भी नहीं कटेगा। अब देखो 4 से अगर भाग देते तो लास्ट के 2 डिजिट भाग दे दो, अगर वो डिवाइड है तो पूरा अंक डिवाइड होता है, ये आपको महत्व में संख्या पद्धति में पढ़ोगे। देखो 4 2 8, 4 3 12, देखो ये कट रहा है, तो हमारा कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है, ठीक है ना। अब इसको आप नोट करके लिखना चाहते हो तो हम थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, किसी वर्ष को हम 4 से भाग देने पर यदि पूर्णतः विभाजित होता है तो वह वर्ष लीप वर्ष है, लेकिन यदि दिया गया वर्ष शताब्दी वर्ष हो, कोष्ठक में लिखना चाहे तो समझ लीजिए 1600, 2000, 1700, 1800, ठीक है, तो हम 400 से भाग देते हैं यदि पूर्णतः विभाजित होता है तो वह लीप वर्ष है। देखिए वीडियो आप पूरा अंत तक देखिएगा, आपका पूरा कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछेगा, 100% गारंटी लेता हूं कि उसमें से आएगा जरूर, ठीक है ना। अब देखिए इसको अब समझना चाहे तो समझ ले, किसी वर्ष को हम 4 से भाग देते हैं, यदि वो पूर्णतः डिवाइड है तो लीप वर्ष है, लेकिन यदि वह शताब्दी वर्षों में दिया हो, 1600, 1700, 1800, 1900, 1100, 2200, 600, 700, 800 जो भी दिया रहे, उसको हम 400 से भाग देंगे, 400 से पूरा डिवाइड तो लीप वर्ष नहीं कटा तो साधारण वर्ष, ठीक है ना। अब देखिए हमारा क्वेश्चन बन रहा है, अब देखिए इसको लगाने का तरीका। देखिए हमारा जो सप्ताह होगा रिपीटेड है, जैसे एक पे यदि हमारा सोमवार है, ठीक है ना, मंगलवार, 3 4 5 6 और 7, और ये बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, ठीक है ना। इसका देखो एक कोड होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 होगा, इसका 7 होगा, यानी हमारा 7 दिन बाद सेम फिर वही दिन आ जाता है। देखो एक दो चक्रीय हमारा क्रम चलता है, रविवार फिर सोमवार फिर मंगलवार फिर यहाँ आएगा, फिर रवि फिर सोमवार फिर मंगलवार, ठीक है ना। अब देखिए तो हमारा तरीका ये है, ये तो जानते रहो। अब देखिए यहाँ हमारा महीने का कुछ कोड हमको याद रखना है, ठीक है ना, महीनों का कोड,
अब देखो महीनों का कोड उसको हम बना दे रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ कोड है, उसको हमको याद रखना है। हमको डायरेक्ट कोड लिख के, हमको देखिए कोड इसका, देखिए आप लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। देखिए इसका कोड है 0 33 614 625 035। ठीक है, ये हमारा मंथ का कोड है, हमको डायरेक्ट यही कोड याद रखना है और हमको डायरेक्ट लिख देना है। ठीक है, अब देखिए एक हमारा वर्ष का भी कोड है। देखिए वर्ष हमारा से 1200, 1600 और 2000, फिर 1300, 1700, 2100, 1200, 1300 और 1400, फिर 1500। यहाँ 1400 है तो यहाँ हो जाएगा क्या 17, या 1800, ये 1900, यहाँ सॉरी 21 22, यहाँ 1800 तो यहाँ 1900, 22 यानी 23। यानी हमारा जो वर्ष, जो कैलेंडर हमारा पूछा जाता है ज्यादातर एग्जाम में, वो हमारा 1200 23 22 23 ईयर्स तक पूछता है। इसके बीच में बस, यानी पूछेगा जिसे 1294 या पूछे 2023 या 2022, बस इसके बीच में कैलेंडर पूछता ही, इससे ज्यादा पीछे या आगे जाता पूछता नहीं है। ठीक है ना, अब देखिए इसका कोड हमारा, इसका 6 है, 2 4 है, इसका 2 है, इसका 0। 1200 1300 1400 1500, फिर 1600, फिर 17 18 19, फिर यहाँ 20, यानी 4 के बाद रिपीट हो जा रहा है। यानी देखो 4 12 का 6 है 13 का 4 14 का 2 15 का 0, फिर 16 का फिर 6। ठीक है ना, हर 4 इसको देखो याद रखना है। अब देखिए हमारा जो निकालने का तरीका है वो देखिए, देखिए जो हमारा अतिरिक्त दिन निकालने का, अतिरिक्त दिन, देखो अतिरिक्त दिन जो हमारा शेष बचेगा वही हम मान लेंगे। हमारा देखो 0 बचा, रविवार, 1 सोमवार, 2 मंगलवार। ठीक है ना, अब देखिए अतिरिक्त दिन जो हमारा निकालने का तरीका है, तारीख प्लस महीने का कोड प्लस शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष। ठीक है ना, पूरे का जोड़ के हम 27 करेंगे। ठीक है, ये देखो हमारा नियम है, पूरे कैलेंडर में कोई भी डेट पे हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए अभी हम कोई भी डेट ले रहे हैं, जैसे कोई डेट ले लो, मान लो गांधी जी का डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं, 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ठीक है, देखो हमारा पहला क्वेश्चन, और देखो जो हमारा कैलेंडर की शुरुआत हुई है, यानी पहली तारीख और पहला महीना और सन पहला, उस दिन हमारा सोमवार माना गया। ठीक है ना, हमारा जो शुरुआत हुआ है सोमवार से, इसको याद रखना। जो पहली तारीख, पहला महीना और सन एक को हमारा कौन सा दिन था, सोमवार। ठीक है ना, अब देखिए यहां से हमको निकालना है 2 अक्टूबर, सीधा 2 तारीख लिख देंगे। अब अक्टूबर का कोड क्या है, देखिए सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर क्या कोड 0। ठीक है, वर्ष क्या है हमारा 1800, 1800 का कोड क्या है, यहाँ 2 प्लस 2 करेंगे। वर्ष जो दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। अब इसको जो लीप वर्ष लिखना है, लीप वर्ष निकालने खातिर क्या करते हैं, हम 4 से भाग देते हैं। 69 में हम 4 से भाग देंगे। देखो भाग देना है, जो भाग पर पूर्णता है वही लिखना, शेष फल वाला नहीं लिखेंगे। देखो यहाँ 4 से भाग देंगे, एक बार 2 बचेगा, 4 सते 18,
28, अब जो एक शेष बच रहा है इसको हमको नहीं लेना, खाली इसको लेना, तो क्या लेंगे हम यहाँ 17 बटे 7। अब देखिए इसी को भाग दे के हम निकाल लेंगे, जोड़ लीजिए यहाँ 9 7 16, 16 2 18 2 20, 8 9 2 2 1 3, 3 6 9 5 7, 7 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा, 7 1 7, 2 7 2 9 14, यानी 6 विषम दिन, 6 विषम दिन या अतिरिक्त दिन को या विषम दिन। अब 6 मतलब कौन सा दिन हमारा आ रहा था, शनिवार। ठीक है, तो गांधी जी का जो डेट ऑफ बर्थ है कौन सा दिन था, शनिवार। अब देखिए और कोई एक डेट ले लेते हैं निकालने का, देखिए जैसे आज की डेट निकाल रहे हैं, आज की, आज कौन सा दिन है, 27 तारीख, 27 सितंबर 2018 को कौन सा दिन है। अभी इस वही तारीख 27। अब देखिए कोड हमको याद रखना पड़ेगा, देखो लास्ट में क्या है, 035, 035 मतलब ये दिसंबर हो जाएगी, ये क्या होगा नवंबर, तो हम यहाँ 3 जोड़ लेंगे। फिर देखिए 2000, 2000 को बताया था क्या, यानी कि यानी 1200, 1600 और 2000, जो 400 से पूरा डिवाइड, उसका कोड क्या माने हम, 6, यहाँ +6। ठीक है, अब देखिए यहाँ वर्ष कौन से दिए, 18, अब 4 से भाग देंगे, 18 में 4 6 16, यानी 4 भाग देंगे 5 7 से, अब यहाँ जोड़ देंगे 18 4 22 6 28, 28 3 31, 31 और 27 क्या होगा, 31 27 58। ठीक है, 7 से भागेंगे, 7 8 56, क्या शेष बचा, 2 बचा, 2 मतलब क्या, मंगलवार, आज कौन सा दिन है, देखिए मंगलवार है। ठीक है, अब देखिए इस तरह पर क्वेश्चन लगा लेंगे, अब देखिए हम नेक्स्ट टाइप में बढ़ रहे हैं, देखिए हमारा टाइप नंबर फर्स्ट था, ठीक है, अब देखो टाइप नंबर टू, इसे कोई डेट दे दे, इसे कोई भी डेट दे दे, देखो ये हमारा टाइप नंबर दो कर लो भाई, ये देखो टाइप नंबर दूसरा है हमारा, टाइप नंबर सेकंड जो अभी बताया था फर्स्ट। ठीक है, यदि यदि 15 अगस्त 1947 को सोमवार था तो 26 जनवरी, 26 मार्च 2019 को कौन सा दिन होगा। देखिए किस तरह क्वेश्चन बनता है, पहले इसको हम यहाँ चेक करेंगे, सोमवार एक्चुअल में सही दे रहा है या गलत, या जितना दिन बढ़ा कर रहा है हम बढ़ा देंगे, जैसे 2 दिन, जैसे एक्चुअल हमारा जो भी आंसर आएगा शुक्रवार, 3 दिन जोड़ रहा सोमवार आएगा, तो वहां भी जो हमारा आंसर आएगा उसमें 3 दिन जोड़ देंगे। पहले हम चेक करेंगे 15 अगस्त को है या नहीं, 15 अगस्त 1947, अब देखिए यहाँ सोमवार दिया, अब देखो हम निकालेंगे सोमवार आ रहा है या नहीं आ रहा, अब देखिए तारीख 15, ठीक है, अब यहां देखो 1919 का कोड क्या 0, फिर देखिए क्या लिखेंगे मंथ का, देखो पहले मंथ का कोड लिखिए, मंथ का कोड याद रखो, मंथ कोड क्या 0 33 614 625 0 35, यानी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त क्या है 2, इन 2 लिखेंगे। अब वर्ष क्या 1900 को बताया था, 1900 क्या होगा 0, तो यहाँ 0, वर्ष 47, 4 से भाग देंगे क्या हो, 11 चौक 44 11, बटे जोड़ दो 7 1 8, 8 2 10, 10 5 15, 8 1 2 4 2 6, 6 7, 7 बटे 7 से भाग देंगे क्या शेष बचा, 5 5 मतलब क्या आ रहा शुक्रवार, देखो शुक्रवार आ रहा, लेकिन हमारा क्या दिया था सोमवार, यानी शुक्रवार में 3 दिन जोड़ रहा है, शुक्रवार में 3 दिन जोड़ के तो यानी सोमवार बना रहा है, ठीक है ना। अब देखिए 3 दिन यहाँ जोड़ रहा है, हम जो एक्चुअल में मारा है उसमें भी 3 दिन जोड़ के हम आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से इसको हवाल करेंगे, अब ये देखिए यहाँ से हल करेंगे, 26 मार्च, अब देखो 26 मार्च मतलब 26, मार्च कोड क्या है 0 33, यानी 3, मंथ कौन सा है यहाँ सॉरी 2000, 2000 मतलब
6 करोड़, ठीक है। अब देखिए, अब क्या वर्ष 19, 4 चौक 16 भाग देंगे 7 से, सब जोड़ दो, 9 4 13, 13 6 19, 19 3 22, 22 6 28, हाँ सिलाए 2, 2 1 3, 3 2 5, 7 से भागेंगे, 7 8 56, 2 बचा, 2 मतलब मंगलवार, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ 3 जोड़े तो यहाँ भी 3 जोड़े, तो मंगलवार 3 क्या होगा, शुक्रवार, तो हमारा आंसर क्या आएगा, शुक्र, ठीक है। यदि हमारा वीडियो पढ़ा हुआ आपको पसंद आए, कृपया करके लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों, थैंक यू।